are going to discuss about the oxytocin and the oxytocin के बारे में पढ़ेंगे कि oxytocin क्या होता है, ठीक है? तो start करते हैं कि oxytocin क्या होता है। Oxytocin is also known as a love hormone, इसे love hormone के नाम से जाना जाता है। And it is posterior, it is a hormone which is released from posterior pituitary, also called a neurohypophysis। हम लोगों ने देखा था diagram में neurohypophysis होता है। Neurohypophysis, that is posterior pituitary, ठीक है? Posterior pituitary, उसी से क्या release होता है oxytocin, is a hormone which is released from the posterior pituitary, that is neurohypophysis, okay? It is made up of 8 amino acids. It is made up of 8 amino acids. Molecular weight is 1000. It is released from the paraventricular nerve nuclei. जो हम लोगों ने एक बार डायग्राम में देखा था, इस तरह से डायग्राम था, है ना? यहाँ पे सुप्रा ऑप्टिक था, यहाँ पे paraventricular nerve nuclei था। इसी से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। किससे रिलीज होता है? paraventricular nerve nuclei। हाइपोथैलेमस में और ये नेचुरली
मेडिसिन है, फॉर्मिन प्रोडक्ट है, यानी कि हमारी बॉडी में ये नेचुरली बनता, ठीक है? हाँ ठीक है, किसी में नेचुरली नहीं बन सकता है, वो वही पर्सन हो सकता है जो प्यार धोखा खाया हुआ इंसान होता है ना, जो सबारता है, ठीक है? तो ये हो गया नेचुरली हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज होता है, ये स्टोर होता है, रिलीज होता है किससे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। जो ऑक्सीटोसिन होता है एक्चुअली इट क्रिएट्स अ लविंग बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, लविंग बॉन्ड जो क्रिएट होता है वो इसी हॉर्मोन के कारण होता है, जो फीलिंग या किसी पर ट्रस्ट करना, किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, ये सभी इसी हॉर्मोन के कारण होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। इसलिए अपना अपना ऑक्सीटोसिन कंट्रोल में रखना, नहीं तो ये पारा वेंट्रिकुलर नर्व निकला निकाल लेंगे, ठीक है? उससे भी नहीं होगा तो हाइपोथैलेमस निकाल लेंगे, तो हाइपोथैलेमस निकाल लेगा ना बनेगा ना सीक्रेट हो ना स्टोर, अपना अपना ऑक्सीटोसिन लेवल को कम करके रखा करना क्लास में। तो ये चीज़ें हो गई इनके बारे में, ठीक है? ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका क्या मेनली फंक्शन होता है, एक बार हमने ये चीज़ लिख दी है और एक बार रिव्यू कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हम लिख रही है। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हिच पिट्यूटरी ग्लैंड? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दिस आर द हार्मोन ऑफ एक्चुअली पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज न्यूरोहाइपोथैलेमस। इट इज मेड अप ऑफ 8 अमीनो एसिड, 8 अमीनो एसिड्स का बना होता है, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज 1000, 1000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये एक ऑक्टाहेड्रल हार्मोन है जिसमें कि इसका जो हेड वाला पार्ट होगा वो 5 अमीनो एसिड्स का बना होगा, एंड बेंजीन रिंग हेड में होगा एंड 5 अमीनो एसिड्स का बना होगा, एंड टेल जो है वो 3 अमीनो एसिड, राइट? उसके बाद जो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, कहाँ से ये रिलीज होता है? पारा वेंट्रिकुलर नर्व न्यूक्लियस, ठीक है? ये एक्चुअली नेचुरल सिंथेसाइजिंग हार्मोन है, और ये बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में बनता है, एंड इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय, स्टोर होता है पैराबेंटिकुलर में बनता है, वहाँ से आ करके स्टोर होता है कहाँ पे? पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होता है, फिर वहाँ से जैसा बॉडी की जरूरत होता है, नीड होता है, जैसा मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स करता है उसके अकॉर्डिंग वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो दिस आर द, मतलब इसके बारे में था कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ठीक है? तो हमें ऑक्सीटोसिन को बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी में खुद बनता है, जिस कंडीशन में बताया उसी कंडीशन में बाहर से लोग ले सकते हैं, ठीक है? जो बहुत धोखा खाया इंसान होता है ना उसी को ऑक्सीटोसिन बाहर से लेने की जरूरत। तो ये चीज़ें हो गई इनके बारे में। अब फंक्शन पे चलते हैं कि ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन कि इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन फीमेल। क्या मेल में भी ऐसा होता है? ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस नहीं ना, यूटेरस होता भी है कि नहीं? नो मैम, नहीं, मेल में यूटेरस नहीं होता है, फीमेल में यूटेरस होता है, एंड इट हेल्प दिस ड्यू टू ऑक्सीटोसिन यूटेरस टेक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यूरिंग लेबर पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड रिजल्टिंग इंटरनल फोर्स इज जनरेटेड एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, ठीक है? ये दिस आर द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, द ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन विच क्रिएट अ लविंग बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन सो मेनी फंक्शंस, क्योंकि जो जितने भी चीज़ हम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी पर बिलीव कर रहे हैं, ये ऑल द थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन, एंड इट हेल्प इन द सेक्सुअल एरोरर्स एंड ट्रस्ट बॉन्डिंग बिलीव ऑल दैट थिंग्स। एंड द थर्ड फंक्शन इज द ऑक्सीटोसिन हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क के इजेक्शन में व्हेन डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट द फीडिंग स्टेज ऑफ द बेबी व्हेन बेबी फीड द मिल्क ऑफ मदर एट दिस स्टेज ऑक्सीटोसिन हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो इस समय जो है इजेक्शन ऑफ मिल्क कराने में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऑल दिस फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अगर ये नहीं होगा तो ऑल दिस फंक्शन आर नॉट रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, तो ये सभी फंक्शन नहीं होगा। और अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो कोई बंदा आगे में कितना ही कुछ इम्प्रेस क्यों ना कर रहा हो, ना कोई फीलिंग आएगी ना कुछ आएगी। ऑक्सीटोसिन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा लेवल बढ़ेगा तो उसको ठीक करना ही मेरे को अच्छे से, ठीक है? चलिए लिखते हैं इसके बारे में।